सभी ने यहाँ पे चार्जेस के बारे में बात कर ली, हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे जो है उसमें रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, चार्जिंग कैसे होती है, लेकिन अभी तक हमको कोई आइडिया नहीं है कि चार्ज को मेजर कैसे करें। ठीक है, तो चार्ज को मेजर करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाए गए और एक एफर्ट जो काफी पॉपुलर हुआ वो है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, लेकिन इवन दो ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर हुआ है, बट फिर भी ये आपको एक क्वालिटेटिव असेसमेंट ही देता है, ये आपको कोई बहुत ही एक्यूरेटली क्वांटिफाई करके चार्ज की वैल्यू नहीं बता सकता। ठीक है, तो फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस में है हमको ये जानना जरूरी है, राइट। पहले हम उसका सेटअप देख लेते हैं किस तरह से है। तो एक मेटालिक बॉल है, इस तरह से पूरा का पूरा ये मेटल का बनाया हुआ है, ओके। और यहां पे टुवर्ड्स द एंड जो है लीफ लगाई हुई है, ये गोल्ड लीफ है। लीफ का मतलब कि ये इस तरह से है, ये ऐसे खुल सकती है, आई वाज समझ में। ये इस पे मेटल पे ऐसे रखा हुआ है, ये बना तो गोल्ड का हुआ है। क्यों बना हुआ है गोल्ड का? क्योंकि गोल्ड जो है मैलेबल और डक्टाइल होता है, बहुत ही थिन शीट उसकी बना सकते हैं, राइट। तो इस ये गोल्ड का बनाया हुआ है। अब क्योंकि ये मैं इसको चाहता हूं कि किसी और चीज के इन्फ्लुएंस में ना आए, तो मैं जो पूरा का पूरा सेटअप है ना, इसको मैं चाहता हूं कि ये एनक्लोजर में आ जाए, राइट। तो इसलिए जो है इसको एक जार में ऐसे रख देते हैं। यहां पे मैंने सील कर दिया है इसको ऐसे। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में मतलब हवा वगैरह चल रही है या कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई पार्टिकल आ रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए जो है इसको एक जार के अंदर इस तरह से रखा गया है, ओके। अब मान लीजिए आपके पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आता है, तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा मेटल है, राइट। होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यहां अट्रैक्ट करेगा, ये यहां पे नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, और क्योंकि ये न्यूट्रल था पहले, बाद में भी न्यूट्रल रहेगा, तो अगर यहां नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव चार्ज एज फार एज पॉसिबल जाएगा, और एंड में तो भाई गोल्ड लीफ है, तो पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ में जाएगा, और गोल्ड लीफ और ये पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट इस डायरेक्शन में ऐसे कट करेंगे तो सिमेट्रिकल है, तो आधा पॉजिटिव चार्ज इस लीफ में जाएगा, आधा पॉजिटिव चार्ज इस लीफ में जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो ये लीफ जो है एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये लीफ खुलेगी, ओके। और ये लीफ कितनी खुलेगी डिपेंड करता है कितना पॉजिटिव चार्ज है लीफ में, और कितना पॉजिटिव चार्ज लीफ में आएगा वो डिपेंड करता है कितना ये चार्ज है। तो इन अ वे कितनी ओपनिंग हो रही है लीफ की वो आपको एक अंदाजा दे सकती है कि कितना बड़ा चार्ज है। आयोजन में अगर मैं इसको टच कर दूं ऐसे वायर से, मैंने चलिए टच कर दिया इसको, तो क्या होगा? अगर मैंने इसको टच कर दिया तो ये जो चार्ज है ये फ्लो करता हुआ यहां पे पहुंच जाएगा, राइट। तो भी वो इसी का एक तरह से इक्विवेलेंट बताएगा कि कितना ये चार्ज था, उसके बेसिस पे ये खुलेगा। तो ये आपको एक रफ अंदाजा दे सकता है कि कौन सा चार्ज बड़ा था और कौन सा चार्ज छोटा था, लेकिन आप यहां पर एक तरह से इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कितना चार्ज था, राइट। बट हां, बड़ा और छोटा आप यहां पर बता सकते हैं इजिली। ज्यादा खुल गया तो मतलब बड़ा चार्ज था, कम खुला तो मतलब छोटा चार्ज था, राइट। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है उस चीज पे क्वांटिफाइबल न्यूमेरिकल, मतलब कि कहने का मतलब कोई फॉर्मूला ओरिएंटेड न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है। तो अब हमको चाहिए कोई फॉर्मूला जो हमको ये बताए कि किस तरह से हम क्वांटिफाई कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। अब फॉर्मूला जानने के लिए आपको पहले ये पता लगाना चाहिए कि सिस्टम की लिमिटेशन क्या है, मतलब कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। अगर आप चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो हो सकता है एक इक्वेशन निकल के आ जाए, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ने के लिए, और जो कि नथिंग बट जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया उसको फॉर्मल तरीके से एक शेप देने जा रहे हैं उस चीज को, राइट। तो लिख लीजिए
properties of charges. Fine. First property है additivity. कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज Q1 एक ऑब्जेक्ट में है और अगर आपने चार्ज Q2 डाल दिया उसके अंदर तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 plus Q2. अगर चार्ज Q1 है आपने माइनस Q2 डाल दिया तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 minus Q2. कहने के लिए तो बड़ा ऑब्वियस है, ठीक है, ये आपको लगेगा कि ये तो होना ही चाहिए. अब कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है कई सारे फिजिकल पैरामीटर्स नहीं फॉलो करते हैं. ओके, ये जरूरी नहीं है कि ये सिंपल सा लॉ हर कोई फॉलो करे, राइट. तो इसलिए जो है इस चीज का होना बहुत ही सिंपल कर देता है चार्ज की स्टडी को, राइट, कि भाई अगर Q1 है और Q2 डाल दिया तो Q1 plus Q2 चार्ज हो जाएगा, सिंपल एडिशन है, राइट. तो एडिटिविटी इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन. लिख लीजिए, चार्जेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड. कहने का मतलब यह है कि अगर एक सिस्टम के अंदर पांच पार्टिकल्स हैं और पांचों पार्टिकल्स में कुल मिलाकर चार्ज Q1 है तो अब वो आपस में कितना भी एक्सचेंज कर लें चार्जेस, टोटल चार्ज पांचों का मिलाकर Q1 ही रहने वाला है हमेशा. और ये सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए. आइसोलेटेड का मतलब है बाहर से कोई चार्ज नहीं आना चाहिए या बाहर कोई चार्ज जाना नहीं चाहिए. और ये जो लॉ है ये एक्सटेंसिवली यूज होता है. तो ये जो लॉ है ये एक्सटेंसिवली यूज होता है, फाइन. कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे एक चार्ज Q1 है एक स्फीयर में, एक चार्ज यहां पे Q2 है, ठीक है. अब दोनों को मैंने टच कराया और सेपरेट कर दिया तो दोनों में जो चार्ज फाइनली आया वो Q1 डैश है और Q2 डैश है. तो कंजर्वेशन अगर चार्ज का लगाने जाऊंगा तो क्या होगा, Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash. ये मेरा सिस्टम है, ये दोनों मिला के मेरा सिस्टम है. बाहर से कोई चार्ज आ नहीं रहा है और बाहर मैं कोई चार्ज दे रहा हूं तो मेरा जो इनिशियल चार्ज था Q1 plus Q2 मेरे फाइनल चार्ज के बराबर होगा Q1 dash plus Q2 dash. ठीक है, इस तरह से इसको हम लगा सकते हैं इस सिनारियो में. और ये सिनारियो आपको बार बार आएगी. कैपेसिटर आप जब पढ़ेंगे तो आप उसमें देखिएगा कि ढेर सारे सिस्टम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं, अभी एक सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं. कैपेसिटर हालांकि हमने अभी किया नहीं है लेकिन जब आप करेंगे तो इसको आप रिलेट कर पाएंगे. क्या किया, हमने दो कैपेसिटर ले लिया, राइट. आप सिस्टम है ये आइसोलेटेड है. अगर यहां पे Q चार्ज Q1 आएगा तो क्योंकि गॉस लॉ जो आप पढ़ेंगे उसकी वजह से यहां पे माइनस Q1 आना चाहिए और ये जो सिस्टम था तो अगर यहां माइनस Q1 है तो यहां ऑटोमेटिक प्लस Q1 आ जाएगा और फिर यहां पे माइनस Q1 आ जाएगा. तो आपने यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दिया क्योंकि ये जो सिस्टम है इसका टोटल चार्ज जीरो है. ओके, एक और इस तरह का सिस्टम अगर हम बना लें, राइट, तो यहां पर आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है और ये यहां आइसोलेटेड सिस्टम है. तो नेट चार्ज ये इस आइसोलेटेड सिस्टम में तीन है, एक दो तीन, इन तीनों प्लेटों में नेट चार्ज जीरो होना चाहिए. और दो प्लेट है, इन दो प्लेट में नेट चार्ज जीरो होना चाहिए. क्यों, क्योंकि पहले भी वहां पे जीरो चार्ज ही था. ओके, तो इस तरह से कई बार आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो लॉ है वो लगाना पड़ सकता है न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, थर्ड लिख लीजिए, जो लॉ है चार्ज को लेके वो है क्वांटिफिकेशन का. मतलब कि आप चार्ज को हमेशा क्वांटिफाई कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है, इसको हम क्वांटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्वांटिफिकेशन.
इज क्वांटाइज कहने का मतलब अगर कोई चार्ज है अगर वो क्वांटाइज कहने उसका मतलब होता है कि वो इंटीजर टाइम्स एक बेसिक यूनिट के बराबर होता है। जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो ये क्वांटम फिजिक्स में बहुत पॉपुलर है कि चीजें जो है इंटीजर टाइम्स होती हैं, राइट। तो चार्ज भी इंटीजर टाइम्स एक बेसिक यूनिट होता है। वो बेसिक यूनिट क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। मतलब एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज ई हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज टू ई हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया तो थ्री ई हो गया। लेकिन क्या आप आधा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो अगर चार्ज ई पॉसिबल है, नेक्स्ट चार्ज जो पॉसिबल है वो 2e ही है। e और 2e के बीच में कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हम के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यूनिट होती है चार्ज की, और इलेक्ट्रॉन के डालने से ही होती है चार्जिंग। तो जो है हमेशा कोई चार्ज होगा अगर अवेलेबल, तो इंटीजर टाइम्स चार्ज वन इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए उसको, ठीक है। तो अगर चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटीजर को बिलोंग करता है तब तो भाई वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है, मतलब कि q बाई ई इफ इट डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर दिस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये एक बेसिक सा हम लोग मान के चलेंगे इन तीनों लॉज को, और हम ये तीनों लॉज आप देखेंगे कि बहुत बारी यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ओके। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ और उसका एप्लीकेशन। कूलम्स लॉ बस आपको एक फोर्स बता देता है कि भाई इतना फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स के बेसिस पे आप बहुत सारे सवाल लगाते हैं, उसमें मैकेनिक्स मिक्स कर करके आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे, और आप देखेगा कि ये चैप्टर जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लगेगा। और एक और चीज, ये चैप्टर जो है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, लेकिन कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। कहने का मतलब ये है कि क्लास 12 के आने वाले चैप्टर तो बहुत ही सिंपल होने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है अपना